हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। रोजाना की तरह आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे 40 क्वेश्चंस का सेट, जो बिहार दरोगा एसआई मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप अगर चाहे तो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे जाके। वहां पे जितने भी अब तक के टेस्ट लगवाए गए हैं उन सारे की पीडीएफ वहां पे मौजूद है। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग के द्वारा। और ये जो मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को मनाया गया प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, इसका एक्चुअल में मुख्य उद्देश्य ये था कि हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न करके यह सिद्ध कर देना कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय जो है एक साथ नहीं रह सकते। क्वेश्चन है अगला कि सर्वप्रथम उड़ीसा में लोकायुक्त कानून 1970 में पारित हुआ, लेकिन सर्वप्रथम लागू किया गया कहां। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा कि उड़ीसा में जो है सर्वप्रथम लोकायुक्त कानून को पारित किया गया 1970 में, और लेकिन सबसे पहले जो लागू किया गया वो लागू किया गया महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस शासक ने मनसबदारी प्रथा में दो अस्पा सिंह अस्पा को लागू कर दिया। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। क्वेश्चन है अगला कि निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर ही उसके रूप में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। क्वेश्चन है अगला कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं किस रूप में। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लोक वित्त संरक्षक के रूप में। कैग जो है भारत के संचित निधि, और प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश इन आदि के संचित निधि से संबंधित खातों के सभी प्रकार के खर्चों का परीक्षण करता है। यानी आप कह सकते हैं ये टोटल लेखा जोखा का काम जो भी होता है वो महालेखा परीक्षक कैग के द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन है कि भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, भूतपूर्व राष्ट्रपति। इसमें जो ये बहुत बार इसमें क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, तो जरूरी नहीं कि आपको यही क्वेश्चन पूछा जाए। आपको प्रथमता के अनुसार ये बताना होगा कि इसमें से कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले तो आप याद रख लीजिए, सबसे पहले राष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद फिर उपराष्ट्रपति का स्थान आता है, फिर प्रधानमंत्री का, फिर राज्यों के राज्यपाल का, तब आता है भूतपूर्व राष्ट्रपति का, फिर उप प्रधानमंत्री, तब आता है उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो उप प्रधानमंत्री भी नहीं है, जितने भी मैंने कहा उसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है भूतपूर्व राष्ट्रपति का। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय से में जो है सम्मिलित नहीं है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा। यहाँ पे पूछा गया था ट्रांस हिमालय में सम्मिलित, तो उसमें लद्दाख, जास्कर और काराकोरम ये जो है ट्रांस हिमालय के भाग हैं, जबकि ये कंचनजंगा जो है ये वृहद हिमालय की चोटी है। क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक।
नेक्स्ट है क्वेश्चन कि हाल ही में कौन सा राज्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति को मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य बन गया है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए केरल। क्वेश्चन है कि एजेंट ऑरेंज क्या है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए एक शाकनाशी है। एजेंट ऑरेंज ये 1960 के दशक में वियतनाम युद्ध के दौरान ये वन और जितने भी फसल हुए थे वन और फसल को खत्म करने के लिए अमेरिकी सैन्य बलों के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी शेर शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 1954 में। पंचशील समझौता ये चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर यह समझौता किया गया था। पैलियंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी जीवाश्मों का। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी मेघालय। मेघालय के साथ इसकी सीमाएं नहीं मिलती है तो भूटान के साथ भारतीय राष्ट्र की कौन कौन सी मिलती है राज्य तो सिक्किम अरुणाचल प्रदेश पश्चिम बंगाल और असम। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 249। अगला क्वेश्चन कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है। आंसर ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी नूरजहां का। कि डेनिए पोलो स्थानीय धर्म है जो कुछ आदिवासी जातियों द्वारा माना जाता है वो किस राज्य से संबंधित है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थाई भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मृदा का घटक है। आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी खनिज ह्यूमस जल वायु ये सभी मृदा यानी कि मिट्टी के घटक हैं। भारत का पहला जयमंडल निचय कौन सा है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी जयमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन भारी मशीनों में निम्न में से किसका प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है।
आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट का। नेक्स्ट है, वोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ, यानी कि वोहरा समिति जो है ये राजनेता तथा अपराधी के साठ, इन दोनों के बीच साठगांठ की जांच के लिए यह बनाया गया था वोहरा समिति। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350 का क या ए। नेक्स्ट है कि एक पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, सेतु समुद्रम परियोजना किन्हें जोड़ती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी सेतु समुद्रम परियोजना इन दोनों को जोड़ती है। नेक्स्ट है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीज से। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है कि बैरन द्वीप अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में, बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पारसनाथ। यह छोटा नागपुर का पठार का सबसे ऊंची चोटी जो है ये है पारसनाथ, और ये जो है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी भी अगर पूछा जाए तो यही आंसर होगा, और ये गिरिडीह जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत का एक प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दक्कन ट्रैप। क्वेश्चन है कि निम्न वर्ष में पांडिचेरी भारतीय संघ में शामिल हुई? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1954 में। क्वेश्चन है कि किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, घटता है। क्वेश्चन है अगला कि मानव तंत्र में निम्न में से कौन सी पाचक एंजाइम नहीं है? आंसर है ऑप्शन बी, गैस्ट्रिन, बाकी ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन ये सारे के सारे पाचक एंजाइम है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरे सर्वाधिक लोकप्रिय थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौकोर। नेक्स्ट है, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में आरबीआई के द्वारा किया जाता है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे?
आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी आर आंबेडकर। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 दिसंबर को। तो ये थे 40 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि हमेशा की तरह आज भी आप लोगों का स्कोर काफी अच्छा रहा होगा। तो इसी तरह से आप हमेशा सेट लगाते रहिए और सेल्फ स्टडी तो बिल्कुल भी ना भूलिए इसे करना, सेल्फ स्टडी एकदम कंटिन्यू करते रहिए। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।